फिजिक्स थोड़ा सा था क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल बहुत कम पोर्शन है। जीएस के नाम पे 3-4 क्वेश्चन थे खाली, बाकी सब फिजिक्स वगैरह भर दिया था टोटल। फिजिक्स न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन देखने को मिला? न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन देखने को मिला? 20 प्लस था, 25 था। मैथ नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन देखने को मिला। सिंपलीफिकेशन नहीं का दो क्वेश्चन था, एलसीएम एससीएफ का नहीं था, सीआईएसआई से था और परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला था बस। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं क्वेश्चन नहीं देखा। एवरेज से नहीं, छूट से मिल रहा है। एवरेज से दो क्वेश्चन देखने को मिला। एक किसी का यूनिट पूछा था, फ्लक्स किसका यूनिट है? फ्लक्स किसका यूनिट है? कैसा क्या आपका एग्जाम? पेपर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा। आपका कौन सा सेशन थोड़ा टफेस्ट लगा आपको? सेशन जीएस थोड़ा टफ सब लोगों को लगता है, मैं भी जीएस लगा टफ है। बहरहाल मैथ तो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, आपको इजी क्या लगा? इजी मैथ रीजनिंग इजी आ रही है, लेकिन कुछ हिंदी घुमा के पूछ रहा है जीएस। अच्छा, हिंदी में जैसे कल बच्चे कह रहे थे साहित्य जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो करंट से क्वेश्चन बेस पूछे जा रहे हैं साहित्य से रिलेटेड, ऐसे क्या मिलेगा क्वेश्चन आपको? नहीं, साहित्य तो बहुत पुराने में पूछा गया था, हमें तो नहीं आ रहा। अच्छा, था साइंस क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भाषा बोली से कोई क्वेश्चन नहीं था, या पर्यायवाची से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला, विलोम से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, और उसके बाद रिक्त स्थान देखने को मिला है और भाषा शुद्ध करने वाला होता नहीं क्वेश्चन, वो देखने को मिला। हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से कुल कितने क्वेश्चन देखने को मिले? श्रेणी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे प्रतिरोध दे रहा है, विभवांतर दे रहा है, डब्ल्यू दे रहा है, उसका आर निकालने को दे रहा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, जैसे दो पिंडों के बीच की दूरी होता है ना, मतलब जी का मान निकालने के लिए दे रहा है। और एक क्वेश्चन ये था जी जड़त्व का नियम भी दिया था, एक क्वेश्चन जड़त्व नियम से था, उसके ऐसे ऐसे फिजिक्स से दे रहे हैं। न्यूटन कोई लॉ से कोई क्वेश्चन? न्यूटन के लॉ से नहीं है, जड़त्व का नियम आया था, जड़त्व का नियम आया था। और कोई बीमाएं वगैरह से कोई क्वेश्चन? बीमा से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। कोई धारा से, कोई करंट से? करंट से नहीं, करंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे प्रतिरोध निकालने को होता है ना वैसे। और मात्रक देखो, मात्रक पूछ रहा है, जैसा आई का मात्रक, एम्पियर का मात्रक, वोल्टेज, यही सब पूछ रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री में कोई मतलब रिएक्शन वगैरह देखने को मिला? नहीं, केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन है तो बायो से कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथ नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन देखने को मिला। सिंपलीफिकेशन नहीं, एलसीएम एससीएफ 3D का 2 क्वेश्चन था, एलसीएम एससीएफ का नहीं था, सीआईएसआई से था, और परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला था बस। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं क्वेश्चन नहीं देखा। एवरेज से नहीं, छूट से मिल रहा है। एवरेज से दो क्वेश्चन देखने को मिला। त्रिकोणमिति से नहीं आता। और डीआई से क्वेश्चन देखने को मिला? डीआई से देखने को एक क्वेश्चन मिला था। अच्छा, वहाँ पे अंदर का माहौल क्या, बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, कैसे क्या चीज़ है? बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, मतलब क्लास में उतने प्रेजेंटली नहीं है, बच्चे अब्सेंट हैं क्योंकि जैसे कल बच्चे बात करते बोल रहे थे बिना माइनस मार्किंग वजह से काफी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, इसकी वजह से जो मेरिट जाने की संभावना क्या लग रही है आपके हिसाब से? मेरिट तो पेपर बताया गया, इससे हम नहीं बता सकते। क्या लगा सकते हैं? जैसे बच्चे अब्सेंट भी उतना नहीं हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, माइनस मार्किंग भी नहीं है, क्वेश्चन पूरा 160 करके आ रहे हैं बच्चे, क्या कहेंगे? वो तो नॉर्मलाइजेशन बेस है ना, वो बच्चों के भविष्य जैसे जो पढ़े रहेगा उसके ऊपर जाएगा ना, हम ऐसे निर्भर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि जो मेरे देख रहे हैं एस्पिरेंट, उनके लिए 2 लाइन में क्या कुछ मोटिवेशनल कुछ गाइड करना चाहेंगे? मैं तो देखने वाले को यही बोलना चाहूंगा कि जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। सिलेक्शन का सबसे महत्व होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बनाए रखें ना, भगवान की कृपा से कहीं ना कभी कभी ना कभी का सिलेक्शन होगा। कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटिन्यूटी से होता है कि तो अगर छूट जाता है, एक्सपीरियंस छूट जाता है तो हल करने में समस्या होती है थोड़ा। मैथ में 2-4 में होगा तो माइंड में 2-3 ही आएगा। टोटल 160 का 160 माइनस मार्किंग वजह से आपने जी बता। आपको कौन से सेशन थोड़ा टफेस्ट लगा? जीएस कह लेंगे। जीएस में क्या आप एक ही टॉपिक लेंगे? जीएस का अभी करंट में टॉपिक नहीं याद आ रहा, वही था कि आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा नहीं थी लेकिन उससे रिलेटेड था जीएस में। अच्छा, कोई आर्टिकल कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? आर्टिकल से सर नहीं, सर आर्टिकल से डायरेक्ट पॉलिटी से कनेक्टेड नहीं था। और कोई संविधान कोई संशोधन से कोई देखने को मिला यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई एक क्वेश्चन नहीं था। कोई नियुक्तियाँ से? नियुक्ति भी कोई नहीं था। कोई स्पोर्ट्स वगैरह से कहीं पे कुछ राज्य का सीएम पीएम राज्य राजधानी ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस में? नो सर, स्पोर्ट्स से नहीं था और जीएस में स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन नहीं था। और साइंस में बात कर लेंगे? साइंस में सर फिजिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, कॉन्सेप्चुअल था। न्यूमेरिकल में सर 3-4 से ज्यादा नहीं था, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, एक प्रतिरोध वाला 12 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में ऐसे। मतलब अब कॉन्सेप्ट में जैसे P = V * Y, एक
पॉइंट टू पॉइंट रखा है इसको न्यूमेरिकल तो नहीं बोलेंगे, बोल सकते तो वही छह से सात गया होगा, इससे ज्यादा नहीं गया होगा। अच्छा, कोई बीमा वगैरह पूछी गई थी? कोई नियम बीमा एक भी नहीं था सर, और यूनिट था एक, किसी का यूनिट पूछा था, फ्लक्स किसका यूनिट है, फ्लक्स किसका यूनिट है। इसके बाद वो कोई लॉ से कोई आए थे नियम से किसी का, न्यूटन के लॉ से? नो सर, न्यूटन के लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था, केपलर के लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था, और किसी के लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था, फैराडे के लॉ से भी क्वेश्चन नहीं था। और हिंदी में आपको ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा मिले, और कौन सा टॉपिक लगा हिंदी में? हिंदी में सर रचनाएं हैं, आपको पता है तो लगा देंगे, साहित्यिक रचना थी, साहित्यिक रचना कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है, साहित्यिक रचनाओं में कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है, और वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं था, भाषा बोली से कोई क्वेश्चन नहीं था, पर्यायवाची विलोम आया था, बहुत इजी था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इजी था वो। शुद्धियां क्वेश्चन बन रहे थे, बना था, तृतीया लिख के आया था, उसको शुद्ध करना था तृतीया जी। और मैथ के लेवल क्या? मैथ का लेवल काफी जी था, मतलब आप एमटीएस भी देते हैं तो भी आपका निकल। अच्छा, मैथ में क्वेश्चन आ रहे, क्या कैलकुलेटर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेटर नहीं था, एक पॉइंट वाला था जो डिसिमल में होता है बस, आप मतलब पैनिक नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फंसेंगे नहीं बिल्कुल भी जी। अच्छा, वो बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं, बच्चे जिसका नेक्स्ट एग्जाम डेट में है, उनके लिए क्या कहेंगे कुछ दो लाइन? वही कि मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए और नई चीज़ों पे पढ़ने पे फोकस कम रखिए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि 8 तारीख को डेट खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा, टाइम को लेकर क्या हुआ, टाइम मेजरमेंट हुआ कम पड़ा, ज़्यादा पड़ गया? टाइम तो कम नहीं पड़ा बिल्कुल भी, टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं था, जो रीजनिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन थे एकदम नॉर्मल था। और जैसे कुछ कहना चाहेंगे, जैसे 2 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं इसको लेकर के, और उसमें क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मन में चल रहे बेचारे कि उतना लेट हुआ, कैसे क्या चीज़ें, मेरिट क्या जाने वाली है इस विषय लेकर के, बच्चे छोड़ दिए होंगे 2 साल? ये तो इनके आयोग के ऊपर है कब का आ रही है एग्जाम, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, एक राज्य स्तरीय है। जैसे इतना लेट हो रहा है एग्जाम, तो भी देख रहे हैं बच्चे पूरा अब्सेंट नहीं हो रहे, प्रेजेंट ही हो रहे हैं, प्रेजेंट ही काफी ज्यादा है, तो किस कारण प्रेजेंट यहाँ ज्यादा हो रहे हैं बच्चे? माइनस मार्किंग ना, बेरोजगारी पहले आप बोलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जितना माइनस मार्किंग ना हो जाए, इसलिए पूरा बच्चे आ रहे हैं कि हाँ चले ठीक है, तुक्का लग ही जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, यही कह सकते हैं कि अगर इसमें माइनस मार्किंग होता तो कुछ, लेकिन एक बेरोजगारी तो मेन चीज है। लेकिन और सब देखते हैं एग्जामों में, जी डी वगैरह होगा इसी, जो काफी दिन बाद एग्जाम होते हैं, जैसे देखिए कि 2000 ग्रुप डी में काफी बच्चे एब्सेंट हो रहे थे, 2019 वैकेंसी 2022 में एग्जाम हुआ था, तो ऐसे इसमें क्यों नहीं हो रहा है? मैंने सर ग्रुप डी का कभी दिया नहीं है, मैं तो अभी जाके इसका एग्जाम होते रहते हैं, उसमें काफी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा इसको देखा गया कि 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है। यूपी वालों के लिए काफी बहुत बड़ी अहमियत लगता है, और जीडी वगैरह होता तो लोग छोड़ देते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद भी छोड़ देते हैं जी। अच्छा, जैसे काफी बच्चे मतलब इसमें कमेंट कर रहे थे, इसमें जॉब क्या करना पड़ता है, कुछ आपको आइडिया कुछ बताएंगे कैसे क्या जॉब प्रोफाइल क्या होती है? जहाँ तक मुझे पता है कि हेडक्वार्टर पे जो काम होता है होता है, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर है तो चीजों को ऑपरेट करना ही होगा आपको, ऑफिस में बैठ के आपको कहीं फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इतनी डेप्थ जानकारी नहीं है इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। चलिए, थैंक यू, बहुत आपने अच्छा गाइड किया है, थैंक यू सर। यही नाम से है ना? कैसा कि आपका एग्जाम? ठीक ही गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल, क्योंकि माइनस मार्किंग था नहीं तो सभी लोग टोटल, मतलब माइनस मार्किंग के आपने एंजॉय लिया काफी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ? अच्छा, वहाँ का अंदर कॉर्डियल क्या लगा, अंदर का क्या? अंदर का मतलब ठीक ही है, जो व्यवस्था था सारा ठीक था, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको किस सेक्शन थोड़ा सा टफेस्ट लगा? थोड़ा सा जीएस का, जीएस फिजिक्स थोड़ा सा था, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल बहुत कम पोर्शन है, जीएस के नाम पे 3-4 क्वेश्चन थे खाली, बाकी सब फिजिक्स वगैरह भर दिया था टोटल। फिजिक्स न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन देखने को मिला? न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन देखने को मिला? 20 प्लस था, 25 था। नहीं, न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन? न्यूमेरिकल के बता रहे हैं, न्यूमेरिकल देख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं भैया कि देखिए न्यूमेरिकल जो फिजिक्स जो क्वेश्चन है जो देखिए न्यूमेरिकल तो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, क्या न्यूमेरिकल से किस टॉपिक से, क्या कोई लॉग नियम था कि? हाँ था, सारा था, जैसे विद्युत प्रेरण से संबंधित हो गया, और वो स्थिति ऊर्जा जो था उससे संबंधित था, हाइट वगैरह टाइम वगैरह पूछा था, और कोई बीमाएं वगैरह, कोई बीमा भी था, वो था। क्या था? और कोई मतलब कि धारा से, कोई क्वांटिटी से भी था क्वेश्चन, और कोई मतलब कोई धारा, कोई मतलब धारा से भी था, तो ओम का नियम भी था उसमें एक खास। जीके जीएस में बात कर लें, क्या सेक्शन, कौन सी सेक्शन पूछा गया था ज्यादा? जीके जीएस में बहुत बहुत कम, मान के चलिए भूगोल से क्वेश्चन ही नहीं था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं थे, यही था। हिस्ट्री से का क्वेश्चन रावत रहेगा, जैसे यूपी पुलिस का पूछा था स्थापना दिवस, वो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूछा था, हिंदी में निहार वगैरह पूछा था, निहार कब लिखा गया था, और वो क्या बोलते हैं
सुमित्रानंदन पंत को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, ये सब पूछा था। अच्छा, तो कल से बच्चे बोल रहे थे कि जो करंट अफेयर आ रही है 1.5 साल की आ रही है, 2 साल की आ रही है साहित्य, तो पहले बात था ही नहीं हमारे सेक्शन नहीं, हाल का क्वेश्चन एक भी नहीं देखे हम। अच्छा, कोई खेल कोई नियुक्ति कोई ऐसा कोई नहीं, नियुक्ति से था, नियुक्ति वगैरह से था कि मतलब किसकी नियुक्ति, कौन का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, ये सब ये था। और बाकी खेल कूद से या फिर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, साइंस में बात करेंगे, बच्चों के लिए क्या कहेंगे, कहाँ से देख के ज्यादा आए साइंस में, क्या मेडिकल करके जाए ज्यादा से ज्यादा, और जो करंट से संबंधित जितने क्वेश्चन है सारे करके जाए। अच्छा, जैसे पॉलिटिक्स कोई देखने को मिला, हिस्ट्री पॉलिटिक्स दो क्वेश्चन, हिस्ट्री मैथ का लेवल क्या लगा, मैथ का लेवल इजी है, मैथ का लेवल इजी है कुछ। अच्छा, मैथ में नंबर सिस्टम कुल कितने क्वेश्चन आए लगभग? नंबर सिस्टम से का क्वेश्चन था ज्यादा नहीं, सब टॉपिक से था, मैथ टच किया था, मैथ कोई दिक्कत नहीं, इजी भी था। और बच्चे के लिए क्या करना चाहेंगे कुछ? ठीक है, अपना मेहनत करें, अपना जाए थोड़ा सा देख के जाए, न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा देख के जाए, जीएस में जीएस के भरोसे न रहे, और क्या, न्यूमेरिकल करके जाए, फिजिक्स वगैरह का ज्यादा जाए।